हेलो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन सो बच्चों आज जो हम पढ़ रहे हैं आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स तो डिविजिबिलिटी रूल्स भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं तो हर तरीके का डिविजिबिलिटी रूल यहां देखेंगे हम तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पूरे समझ में आए अच्छे से चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स तो पूरे नोट्स भी बना लेना क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं आपके क्वेश्चन में जो बताने वाला हूँ ठीक है तो डिविजिबिलिटी रूल्स ठीक है नंबर सिस्टम का एक दिस इज अनदर टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम तो आइए शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबल बाय टू बच्चों एक नंबर टू से डिविजिबल कब होता है डिविजिबल बाय टू लिख लीजिए डिविजिबल बाय टू टू से एक नंबर कब डिवाइड होगा टू से एक नंबर कब डिवाइड होगा अच्छा बताओ तो आप कहेंगे सर टू से तब होगा डिवाइड जब लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय टू होगा लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय टू लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय टू ठीक है बस सिंपल रूल याद रखो यदि लास्ट डिजिट टू से डिविजिबल है तो पूरा नंबर टू से डिविजिबल है ठीक है बस इतनी सी बात है हाँ आप इवन बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो बट लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई टू क्योंकि लास्ट डिजिट में अगर जीरो भी है तो भी टू से डिविजिबल है फोर का क्या डिविजिबल डिजिबिलिटी रूल होगा फोर के लिए आप कहेंगे सर फोर का होगा लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय बायर कितने डिजिट लास्ट टू डिजिट्स ठीक है एट के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट थ्री डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय एट एट के लिए बच्चों लास्ट थ्री डिजिट्स एट से डिवाइड होने चाहिए सिक्सटीन का क्या डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए लास्ट फोर डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय सिक्सटीन आप पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं पैटर्न यहाँ पे पैटर्न देख पा रहे हो क्या पैटर्न है बताओ चलो पैटर्न ये है कि टू की पावर वन ये टू की पावर टू है है ना ये टू की पावर थ्री है बिल्कुल ये टू की पावर फोर है बच्चों एकदम सही है और इसी पैटर्न को यदि हम आगे ले जाएं टू की पावर n के लिए तो वट शुड बी द डिविजिलिटी रूल क्या होगा आप कहेंगे सर लास्ट हाँ देखो टू की पावर फोर के लिए लास्ट फोर डिजिट्स डिविजिबल बाय टू की पावर फोर दिस इज़ नथिंग बट टू की पावर फोर तो टू की पावर एन के लिए लास्ट एन डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय टू की पावर एन देखो जनरलाइज हो गया बिल्कुल एकदम आप किसी पे भी लगा सकते हो अगर टू की पावर फोर मतलब 16 के लिए देख रहे हो तो लास्ट फोर डिज डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय टू की पावर एन व्हाट शुड अच्छा आगे बढ़े व्हाट शुड बी द डिविजिबिलिटी रूल फॉर फाइव चलो फाइव का देखते हैं पहले एक एक बताऊंगा मतलब आप चिंता मत करो सब कुछ बताने वाला हूं लेकिन ध्यान से देखिए चीजों को ठीक है, डिजिबल बाय फाइव फाइव का क्या रूल होता है फाइव का होता है लास्ट हाँ जी बोलो लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय फाइव बिल्कुल लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय फाइव लिख लो लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय फाइव एकदम सही है तो इसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं ट्वेंटी फाइव के लिए क्या रूल होगा ट्वेंटी फाइव के लिए होगा सर लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय ट्वेंटी फाइव हां जी ठीक है ट्वेंटी फाइव के लिए लास्ट टू डिजिट शुड भी डिविजिबल बाय ट्वेंटी फाइव 125 के लिए 125 के लिए रूल होता है लास्ट थ्री डिजिट्स हाँ जी लास्ट थ्री डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125 बिल्कुल और यहाँ भी आपको पैटर्न नजर आ गया होगा नहीं आया नजर आ गया 5 की पावर 1 दिस इज 5 की पावर 2 दिस इज 5 की पावर 3 हाँ जी इसी पैटर्न को आप आगे ले जाओ तो व्हाट शुड बी द डिजिबिलिटी रूल फॉर फाइव की पावर एन बता ही दो अब तो क्या बनेगा बिल्कुल लास्ट एन डिजिट्स should be divisible by फाइव की पावर n लास्ट एंड डिजिट शुड भी डिविजल बाय फाइव की पावर n ये रूल बन जाएगा लास्ट एंड डट शुड भी डिविजिबल बाय फाइव की पावर n ठीक है जी यहाँ तक नोट कर लिया एग्जांपल दूंगा मैं अभी एग्जांपल दूंगा बच्चों एग्जांपल करेंगे बट यहाँ तक बात समझ में आ गई है ये चीज़ क्लियर है और सुन लो और सुन लो ये लो आगे लिखो डिविजिबल बाय थ्री का क्या रूल होता है थ्री का हाँ जी थ्री का रूल होता है हमारा Divisible by थ्री sum of digits बिल्कुल लिख लो sum of digits divisible by थ्री होना चाहिए sum of digits divisible by थ्री होना चाहिए थ्री का रूल होता है sum of digits तीन से डिवाइड होना चाहिए ठीक है और बिल्कुल इसी चीज को आप नाइन पे भी लगा सकते हो नाइन पे भी सेम रूल लगा सकते हो क्या रूल बनेगा sum of digits divisible by नाइन देखो थ्री के केस में थ्री से डिवाइड होना चाहिए 9 के केस में 9 से डिवाइड होना चाहिए बस इतनी सी बात है थ्री के केस में थ्री से डिवाइड होना चाहिए 9 के केस में 9 से डिवाइड होना चाहिए ठीक है चले आगे बढ़े हाँ जी एग्जाम्पल अभी लेंगे बच्चों अब भी लेने वाले हैं बस एग्जाम्पल लेकिन एक डिविजिबिलिटी रूल और सुन लो एक और सुन लो आज के लिए डिविजिबल बायन का पहले डिविजिबल बायन देखो बुक्स में अलग अलग तरीके से दी हुई है मैं आपको बिल्कुल आसान डेफिनेशन बता रहा हूँ बस आप उतना ही ध्यान रख लेना जो मैं बता रहा हूं और आपके क्वेश्चन तुरंत होंगे बिल्कुल बिलीव मी तो क्या रूल होना चाहिए सर इलेवन का सुन लो ये रूल हो सुन लो सम ऑफ लिख भी लेना ऐसे डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको मतलब जो मैं अभी दे रहा हूं और बहुत आसान लगेंगे क्वेश्चन सम ऑफ ऑल्टरनेट प्लस माइनस टेकिंग वन एट ए टाइम टेकिंग वन एट ए टाइम टेकिंग वन एट ए टाइम शुड बी डिजिबल बाय 11 होना चाहिए सर समझ नहीं आया मैं जानता हूं समझ नहीं आया देखवा अभी आएगा क्यों नहीं आएगा बिल्कुल आएगा ये लो n इज इक्वल टू मान लो नंबर है आपके पास सुन लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ये बड़ा सा नंबर है ठीक है बहुत बड़ा सा नंबर है और आपको ये चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं तो बच्चों बहुत प्रेम प्यार से कर सकते हैं हम कैसे सर देखो आपको हमेशा स्टार्ट करना है राइट हैंड साइड से कहां से शुरू करना है राइट हैंड साइड से एक में से एक को माइनस कर दो देखो इसमें से इसको माइनस माइनस करना है प्लस माइनस का क्या मतलब है ये पॉजिटिव या नेगेटिव ठीक है इसमें से ये माइनस करना है क्या आएगा माइनस वन आएगा सर बिल्कुल इसमें से ये माइनस कर दो माइनस वन आएगा इसमें से ये माइनस कर दो माइनस वन आएगा साइन का ध्यान रखना देखो फाइव में से सिक्स माइनस कर रहे हो ठीक है अब सिक्स में से फाइव माइनस कर रहे हो तो वन आएगा फोर में से थ्री माइनस कर रहे हो तो वन आएगा टू में से वन माइनस कर रहे हो तो वन आएगा और इन सबको ऐड कर दो इन सबको ऐड कर दो आप लोग इन सबको ऐड कर दो तो जब इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको ये तीन प्लस वन ये तीन माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाएंगे जीरो मिलेगा सर अब मेरी बात ध्यान से सुनो यदि यहाँ पर जीरो बच जाए या कोई भी ऐसा नंबर बच जाए जो मल्टीपल ऑफ इलेवन है क्या सर क्या सर क्या हाँ कोई भी ऐसा नंबर बच जाए जो मल्टीपल ऑफ 11 है लाइक like 11, 22, टू माइनस इलेवन माइनस ट्वेंटी है ना ऐसा कोई भी नंबर बच जाए या जीरो 11 से डिविजिबल है ये 11 से डिविजिबल नहीं है अदरवाइज ये 11 से डिविजिबल नहीं, नहीं है समझ में आया ओ लो एग्जांपल अच्छा एग्जाम्पल एग्जाम्पल चेंज करके लेते हैं ये लो ये वाला एग्जाम्पल लो ये वाला एग्जाम्पल सुनो मान लो एग्जाम्पल है हमारे पास क्वेश्चन ले लेते हैं नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है ये क्वेश्चन है आपको बताना है ये इलेवन से डिविजिबल है या नहीं बता सकते हो बिल्कुल देखो इलेवन से इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा माइनस वन सर इसमें से इसको माइनस करो क्या आएगा माइनस वन फाइव में से सिक्स गया माइनस वन यहाँ पर कितना आएगा अगेन माइनस वन आएगा ना लेकिन ये नाइन अकेला बच गया सर अकेला नहीं रहने देंगे इसके आगे जीरो लगा दो तो नाइन में से जीवो गया क्या आएगा नाइन आएगा है ना नाइन में से जीवो गया क्या आएगा नाइन आएगा अब मुझे ये बताओ ये बताओ इन सब का सम क्या आएगा मैंने कहा इन सब का सम निकालो इन सब का सम क्या आएगा तो नाइन माइनस फोर कितना आ गया फाइव आ गया क्या ना इसे सम फाइव बनेगा तो अगर सम फाइव बने है, क्या यह इलेवन से डिविजिबल है नहीं सर ये 11 से डिविजिबल नहीं है तो 11 से डिविजिबल नहीं है तो बच कितना गया फाइनली फाइव बच गया तो बेटा अगर 11 से डिविजिबल नहीं है तो जो फाइनल बचेगा आपका जो फाइनल बचेगा वो रिमाइंडर कहलाता है क्योंकि जो बच गया वो रिमाइंडर है जो बच गया वो रिमाइंडर है जो बच गया वो रिमाइंडर है।, है फिर से बताऊँ देखो एक बार दोबारा आप समझे बात को नहीं आ गया समझ में देखो फिर से सुन लो एन मान लो क्वेश्चन है एन कुछ भी हाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आपको ये चेक करना है ये इलेवन से डिविजिबल है या नहीं बता सकते हो आप बिल्कुल प्रेम प्यार से बता सकते हो इसमें से इसको माइनस करो वन आएगा सर यहाँ से यहाँ माइनस करो वन आएगा यहाँ से यहाँ माइनस करो वन आएगा यहाँ से यहाँ माइनस करो वन आएगा है ना चारों को ऐड करो कितना आएगा फोर आएगा फोर तो एलेवन से डिवाइड नहीं होता है सर बिल्कुल नहीं होता है तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा रिमाइंडर कहलाएगा किस डिवाइजर से डिवाइजर कौन है एलेवन है क्या ये बात समझ में आ गई है सबको अच्छा और एग्जांपल चाहिए चलो इस पे और एग्जांपल देता हूँ एग्जांपल सुन लो अगली स्लाइड पे और एग्जांपल दे देता हूँ ठीक है ये इसका क्या बनेगा देखो क्वेश्चन है नाइन ये सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो बताने लगा ना हमें इलेवन से डिविजल है या नहीं तो क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस वन इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस वन सर इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस वन सर इसमें से इसको माइनस वन इसमें से इसको माइनस वन इन को ऐड करो सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस फाइव क्या ये इलेवन से डिविजिबल है नहीं सर जो बच गया वो क्या कहलाता है रिमाइंडर कहलाता है लेकिन होल्ड सर हम तो बचपन से करते आए हैं कि नेगेटिव में रिमाइंडर हो ही नहीं सकता हाँ नेगेटिव में रिमाइंडर हो नहीं सकता आप बचपन से सही पढ़ते आए हैं लेकिन ये तो माइनस में बच गया कितना बच गया माइनस फाइव बच गया सर अब क्या करें अब क्या करें बच्चों नेगेटिव में बच गया तो नेगेटिव में तो आंसर होता नहीं है अगर आपसे कोई रिमाइंडर पूछे तो बच्चों सुनो ध्यान से अगर नेगेटिव में बच गया तो आपको क्या करना है जो डिवाइजर है 11 है वो इसमें ऐड कर देना है एक्चुअली सुनो माइनस फाइव का मतलब है पाँच शोट है माइनस फाइव का मतलब है फाइव शोट है किससे फाइव शोट है इलेवन बनने में ग्यारह बनने में पाँच शोट है तो ग्यारह ऐड कर देंगे तो एक्चुअल रिमाइंडर ओ सिक्स ये तब करना है सुन लो ये इलेवन तब ऐड करना है जब नेगेटिव में बच जाए अदरवाइज नहीं जब नेगेटिव में बच जाए बच्चों तब ऐड करना है ठीक है पॉजिटिव में बचा है तो फिर वही रिमांडर आगे बन जाएगा चले आगे बढ़े क्या क्या कर लिया हमने अच्छा हमने हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ जगह हमने पढ़ लिया सब टू पढ़ लिया है ना फोर पढ़ लिया एट पढ़ लिया सिक्सटीन पढ़ लिया आगे हमने फिर फाइव देख लिया ट्वेंटी फाइव देख लिया थ्री का देख लिया नाइन का देख लिया डिविजिलिटी रूल इलेवन का देख लिया आगे तुम्हें तो लगाने पक्का चलो एक क्वेश्चन एक बेसिक सवाल लेता हूँ और फिर एक अच्छा सवाल लेंगे मुझे लगा के दिखाओ इनको लगा के दिखाओगे ये लो लगाओ इनको इस वाले क्वेश्चन में एक सिंपल सा सवाल है एन इज इक्वल टू हाँ सुन लो नाइन हाँ जी नाइन एट सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये एक नंबर है आपके पास ये एन है बच्चों ये एन है ठीक है ये गिवन है अपने को बिल्कुल रैपिड फायर राउंड की तरह करेंगे हम रैपिड फायर राउंड की तरह है, ठीक है तो ये एन है यदि ये एन है तो मुझे बताओ क्या ये टू से डिविजिबल है यस नो यस नो येस नो बिल्कुल है सर क्योंकि लास्ट डिजिट टू से डिविजिबल है है ना बस लास्ट डिजिट देखते हैं अगर डिविजिबिलिटी रूल रिवाइज करवा करवाओ जो आज बताए हैं फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है लास्ट टू डिजिट्स तो लास्ट टू डिजिट क्या फोर से डिविबल है बिल्कुल है सर एट का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है लास्ट थ्री डिजिट्स क्या लास्ट थ्री डिजिट एट से डिविजल है देख लो चेक कर लो 85 फाइव जा फोर्टी फिफ्टी सिक्स बचा एट सेवन जा फिफ्टी बिल्कुल है 100% परसेंट है सिक्सटीन से डिविजिबल है ये 16 के लिए लास्ट फोर डिजिट्स बताओ आराम से चेक करके बताओ क्या ये 16 से डिविजिबल है बिल्कुल है सर देखो 16 टू जा थर्टी टू बचा 16 वन जा सिक्सटीन नाइन्टी बचा 16 सिक्स 96, 96 बिल्कुल है 100% है बच्चों समझ गए हो तुम नहीं समझ रहे हो पक्का फ़ाइव से डिविजिबल है बताना ना ना सर ये तो मजाक हो गया फ़ाइव से डिविजिबल थोड़ी है है ना ट्वेंटी फाइव से है तो भाई पाँच से नहीं है तो पच्चीस से कैसे हो जाएगा हटाओ ठीक है अब बताओ थ्री से डिविजिबल है या नहीं याद है तुम्हें तो मैं क्या ढूलता सम, सम, सम देखना किसका सम डिजिट्स का सम देखना बताओ कितना आएगा सम ऑफ डिजिट्स नाइन प्लस एट प्लस सेवन जी प्लस वन प्लस वन प्लस टू प्लस कितना बन गया नाइन एट सेवनटीन प्लस सेवन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन थर्टी थर्टी फोर थर्टी नाइन फोर्टी फाइव बच्चों फोर्टी फाइव सम है बताओ क्या फ़ोर्टी फाइव थ्री से डिवाइड होता है क्या फोर्टी फाइव थ्री से डिवाइड होता है बिल्कुल होता है सर तो ये नंबर थ्री से डिविजिबल है नेक्स्ट नाइन के लिए नाइन के लिए हाँ जी नाइन के लिए क्या था जो सम है वो नाइन से डिवाइड होना चाहिए क्या फोर्टी फाइव से डिवाइड होता है बिल्कुल होता है सर तो ये नाइन से भी है याद है ना तुम्हें बहुत टाइम थोड़ी हुआ है अभी तो बताया हैं डिविबिली बोल अच्छा बताओ चलो इलेवन से डिविजिबल है या नहीं है ये ये इलेवन से डिवाइड होता है या नहीं होता है हाँ इलेवन से एलेवन के लिए क्या देखोगे ऑल्टरनेट में करेंगे सर करो ये लो ये वन देगा एक एक को लेना है ये वन देगा ये भी वन देगा ये माइनस देगा बच्चों है ना यहाँ जीरो लगा दो तो ये नाइन देगा और फिर क्या बताया था आपको इनको ऐड करते हो याद है ना तुम्हें भूल गए हो तुम पक्का याद है पक्का चार पांच एग्जांपल लिए थे हमने है ना ये एक एक करके माइनस जो भी आए इन सबको ऐड तो इन सबको ऐड करोगे तो ये वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा नाइन प्लस वन प्लस वन इलेवन बचेगा आपका अल्टीमेटली इलेवन अब बताओ क्या इलेवन इलेवन से डिवाइड होता है बिल्कुल होता है सर इलेवन इलेवन से डिवाइड होता है इसका मतलब ये इलेवन से डिविजिबल है हमने क्या रूल बनाया था इलेवन का इलेवन के लिए बनाया था बच्चों हमने या तो जीरो बच्चे या कोई ऐसा नंबर बच्चे जो इलेवन से डिवाइड हो जाए हो तो गया भाई 11 बचा आपका सब का सम करके इन सब का सम करके आपका 11 बचा बच्चों 11 11 से डिवाइड हो तो गया तो है ये 11 से डिवाइड है मजा आया अभी तक देखो समझ में आ गई चीजें पक्का क्लियर है और बताऊ इसी में सुनना चाहते हैं आप ये लो ओ थोड़ा सा सुन लो ओ थोड़ा सा सुन लो ठीक है थोड़ा सा ओ सुन लो यार समझ जाओगे तुम चीज़ों को फिर कभी भूलोगे नहीं मैं चाहता हूँ यार एक एक चीज़ तुम डिटेल में सीख लो देखो यहाँ तक हमने टू का कव लिया फोर का कव लिया एट का कव सारे कव बच्चों अब कुछ ऐसे होते हैं जो इनसे मिलके बनते हैं कैसे सर कैसे जैसे सिक्स है सिक्स क्या होता है हमेशा ऐसे नंबरों में बांटो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ये जरूरी है ऐसे नंबरों में बांटना जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो किस में बांटोगे आप कहोगे सर टू एंड थ्री में बांटेंगे टू एंड थ्री में बांटेंगे ठीक है तो टू एंड टू थ्री ट्वेल्व को कैसे ब्रेक करोगे ट्वेल्व को ऐसे नंबरों में ब्रेक करना है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो फोर एंड थ्री एटीन के लिए चेक करोगे तो एटीन का डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या चेक करोगे हाँ टू एंड नाइन अच्छा ट्वेंटी फोर के लिए सिक्स एंड फोर हाँ सिक्स एंड फोर लेंगे ना 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 और फोर में तो टू कॉमन हो गया ऐसे नंबरों में ब्रेक करना है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है हाँ एट एंड थ्री थोड़ा सा आप इट लगाओगे तो आप पहुँच जाओगे एट एंड थ्री समझे हो बात को 36 के लिए क्या चेक करोगे 36 के लिए हाँ ये बता सकते हो फटाफट फोर एंड नाइन अच्छा चलो छोड़ो सारी बातें 44 के लिए क्या चेक करोगे ये बताओ बिल्कुल फ़ोर एंड एलेवन चेक करेंगे है ना फोर एंड एलेवन चेक करेंगे ऐसे ही आप आ, अच्छा मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कभी बच्चे पता ना लग पाए तो जैसे आपको 48 से चेक करना है और आपको एकदम मिल नहीं रहा है बच्चों ठीक है अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो आसान तरीका ये है कि फ़ोर्टी को ना प्राइम फैक्ट्राइजेशन में बदल दो ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन में बदल दो ये काम कर सकते हो आप ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन है ना प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते थे इसको बचपन में करते थे तो टू 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 चार बार है 2 की पावर 4 लिख दो थ्री एक ही है तो इससे अलग चेक करना है और इससे अलग चेक करना है हमेशा 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 देखो सामने से दिख जाए ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उससे तो मज़े वाली बात कोई है ही नहीं उससे कोई मजे वाली बात है नहीं है लेकिन अगर नहीं मिले तो ऐसे प्राइम फैक्ट्राइजेशन करनी पड़ेगी लेकिन हमें चाहिए ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है अच्छा कॉमन नहीं का क्या मतलब है मतलब ऐसा कोई नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए नहीं है सर तो बस 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 ऐसे नंबरों में बांटना है जो किसी से भी डिवाइड ना हो ठीक है हाँ सेवेंटी टू के लिए क्या चेक करोगे चलो ये बता दो बिल्कुल एट एंड नाइन चेक करेंगे सर ये बात तो क्लियर होगी ना अब आपको यार कब लोगे इस बात को जैसे नाइनटी के लिए क्या चेक करोगे अगर नाइन्टी से देखना है तो नाइन चेक करना चाहोगे चलो येस या नो में आंसर करो फिर से जगह एक्टिव मोड में आ जाओ सुपर एक्टिव मोड में आ जाओ बच्चे बहुत अच्छे हैं मतलब मैं लिटरली आई ही ऑल द स्टूडेंट्स बच्चे लाइक करते हैं वीडियो मतलब इतना हौसला बढ़ाते हैं हमारा और बिल्कुल कमेंट में भी लिखते हैं आंसर्स जब मैं पूछता हूँ कोई भी तो मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मतलब आप लोग सीख रहे हो इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए बच्चों ठीक है तो देखो सिक्स के लिए क्या चेक करोगे सिक्स के लिए सिक्स किससे मिलके बना है टू एंड थ्री से बना है सर अगर ये टू से भी डिविजिबल है है ना ये देखो इसी नंबर को चेक करते हैं चलो नंबर सेम है ठीक है मैं बोल रहा हूँ नंबर यही है कौन से वाला एन इज इक्वल टू हाँ ये लिखा ही हुआ है हमने यही नंबर है एन इज आपको बताना है ये नंबर सिक्स से डिविजिबल है या नहीं सर ये टू से भी है ये थ्री से भी है दोनों से है तो है किसी एक से भी नहीं है तो नहीं है दोनों से है तो है किसी एक से भी नहीं है तो नहीं है अच्छा 12 से है बिल्कुल है सर 4 से भी है 3 से भी है है ना ये देखो 4 से भी है और कहां गया 3 से भी है इस दिस नंबर डिविजिबल बाय 18 बिल्कुल है सर 2 से भी है और 9 से भी है बिल्कुल है 2 और 9 दोनों से है है ना तो इससे भी है अच्छा ट्वेंटी से है नहीं है सर है हाँ है एट से भी है और थ्री से भी है बिल्कुल है अच्छा थर्टी सिक्स है बिल्कुल है सर फोर और नाइन दोनों से है फोर्टी फोर से है फोर से भी है इलेवन से भी है बिल्कुल है फोर्टी एट से है सर सिक्सटीन से भी है थ्री से भी है दोनों से है तो है सेवेंटी टू से है एट से भी है नाइन से भी है तो है नाइनटी से है नाइन से भी है इलेवन से भी है तो सर बिल्कुल है हंड्रेड है तो कैन आई से बच्चों अच्छा अब देखो यहां तो मैंने लिए थे, थे मैं पच्चीस से, से, तो से, से, तो से नहीं है नहीं है ना पच्चीस से कहा गया चेक नहीं किया।, यह देखो, यह किया था तो एक से भी नहीं है तो बच्चों नहीं है एक से भी नहीं है तो नहीं है आप समझे हो, एक से भी नहीं है तो नहीं है तो बच्चों आज के वीडियो में मैं यहीं तक करता हूँ हाँ अभी वीडियो बाकी है डिविजिबिलिटी रूल तो अभी स्टार्ट किए हैं एग्ज़ाम्पल्स खूब सारे दूंगा ठीक है तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है अभी एग्जाम्पल्स बाकी हैं इतना रिवाइज़ करो पहले अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैं एग्ज़ाम्पल्स खूब सारे देने वाला हूँ मैं कम एग्ज़ाम्पल्स नहीं चाहता करवाना आपको एग्ज़ाम्पल्स खूब सारे करेंगे हम आप इतना पहले एक बार रिवाइज़ कर लो और एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एज आ हाँ जी एक एक होमवर्क दे दूँ एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल एक होमवर्क दे दूँ देखो इतना रिवाइज करके आना और फिर अगली क्लास में हम खूब सारे एग्जाम्पल्स इन पर करने वाले हैं और कुछ नई बातें भी सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट टू आएगा बच्चों बिल्कुल आगे तो अगेन मतलब वीडियो अगर लाइक किया तो वीडियो लाइक करो अगर पसंद आया आपको बच्चों ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको बिल्कुल एकदम वीडियो मिलते रहें टाइम टू टाइम तो एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए होमवर्क छोड़ के जाता हूँ मुझे बताइएगा उसका आंसर क्या होगा ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए बहुत सोच के समझ के आंसर करना क्वेश्चन क्या है सर क्वेश्चन ये है लिख लो क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है कि लिखो एग्जांपल इज इफ द नंबर If the number ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा मैं आसान ही दे रहा, रहा हूँ बच्चों आज नहीं मुश्किल दूंगा अगली क्लास में करेंगे बढ़िया बढ़िया सवाल भी If the number वन एट सेवन वन एट सेवन ए थ्री फाइव ए थ्री फाइव इज डिविजिबल बाय इज डिविजिबल बाय किससे डिजिबल है सर ये इज डिविजिबल बाय एलेवन तो आपको a का वैल्यू बताना है a का a का रूल आता है ना आपको a सिंगल डिजिट है ये एक एक सिक्स डिजिट का नंबर है और ये 11 से डिविजिबल है तो आपको a का वैल्यू बताना है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बट बिल्कुल एग्जाम में मिलते हैं हम ये वाले भी क्वेश्चन तो अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों इसी जोश इसी उमंग के साथ और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के और डिविजिबिलिटी रूल बताने वाला हूँ तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच बाय टू ऑल ऑफ यू बाय एवरी